हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौरव ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज़ गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो अर्थवर्म है वो एक हर्मेफ्रोडाइट है। दैट मीन्स इसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ड्रॉ करोगे, सिस्टम ड्रॉ करोगे, तो आपको पूरा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बट जब आप थियोरी लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप लोग बात करो सिर्फ स्पर्मेथिका, ओविडक्ट और ओवरी की, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बेसिकली हैविंग थ्री मेन पार्ट्स, ओवरीज, ओविडक्ट और स्पर्मेथिका। अभी बात करते हैं ओवरीज की। तो ओवरीज जो है, दे आर इन पेयर, ये होती है सफेद कलर की एंड लॉबुलेटेड स्ट्रक्चर होता है ना। तो आई कैन राइट इट एज पेयर ऑफ वाइड लॉबुलेटेड ओवरीज, दे आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन 13th सेगमेंट, है ना। व्हाइट होते हैं, लॉबुलेटेड होते हैं और कहां पर होंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के तरफ होंगे, नीचे की तरफ, ऑन द 13th सेगमेंट। दे हैव अवर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विथ डेवलपिंग ओवा गिविंग इट अ बीडेड अपीयरेंस, है ना। जब आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो इनके स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे डेवलपिंग ओवा देखने मिलेंगे, जिसकी वजह से हमें लगेगा ये मोतियों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे रिमेन इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग इसको समझेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये आपका सेप्टम हो गया और यहाँ पर हम देख रहे हैं ओवरीज। अब ओवरी के अंदर आप देखिए बहुत सारे ओवर्स आपको दिख रहे होंगे, तो ऐसा डेवलपमेंटल स्टेज आपको देखने मिलेगा, ठीक है बेटा। आगे बात बढ़ते हैं और बात करते हैं ओविडक्ट की। बिलो ईच ओवरी इन द 13th सेगमेंट लाइज अ स्मॉल ओवेरियन फनल, है ना। 13 सेगमेंट के नीचे आपको देखने मिलेंगे क्या, ओवेरियन फनल, जिनके अंदर काफी सारे सीलिएटेड मार्जिन्स रहेंगे। दीज सीलिएटेड मार्जिन्स विल लीड टू अ शॉर्ट कॉनिकल एंड सीलिएटेड ओविडक्ट। दे कन्वर्ज टू मीट बिलो द नर्व कॉर्ड एंड ओपन इनटू फीमेल जेनिटल अपर्चर। तो मैं देखो, मैं पूरा पाथ कैसे ड्रॉ कर सकता हूं या लिख सकता हूं। मेरे पास सबसे पहले आ गई ओवरी। ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, इसने प्रोड्यूस किया ओवा, है ना। अलग अलग स्टेजेस रहेंगे, तो जो डेवलप्ड ओवा होगा वो ओवेरियन फनल से पहुंचेगा कहां पर, ओविडक्ट में, एंड फाइनली फ्रॉम द ओविडक्ट वो फीमेल जेनिटल पोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस फॉल इनटू डिस्कशन अबाउट स्पर्मेथिका। तो स्पर्मेथिका को आप तीन भाग में बांट सकते हो, नेक, डायवर्टिकुलम एंड एम्पुला। इट इज, इनके पैर होते हैं जो लोकेटेड होते हैं 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में। बेसिकली इनका जो शेप होता है वो फ्लास्क शेप्ड होता है एंड द मेन बॉडी ऑफ द स्पर्मेथिका इज एम्पुला विच इज डायरेक्टली जॉइंट टू द नेक। अब नेक के नीचे एक छोटा सा पाउच हैंग करता है जिसका नाम है डायवर्टिक्यूलम। इन्हें हम लोग कहते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल्स भी। क्यों? क्योंकि ये लोग दूसरे जो स्पर्म थे, दूसरा जो अर्थवर्म था उसके स्पर्म्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फेरेटिमा जो डायवर्टिक्यूलम होता है दैट स्टोर्स द स्पर्मेटोजोआ। जो स्पर्मेथिकल पोर्स थे बेटा, ये बॉडी के आउटसाइड ओपन करते हैं इन द 5th, 6th, 7th, 7th, 8th एंड 8th, 9th सेगमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कॉपुलेशन, ककून फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। देखिए, जो कॉपुलेशन होता है, कॉपुलेशन बेसिकली मतलब रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये होता है रेनी सीजन में, समवेयर अराउंड जुलाई टू अक्टूबर एंड दैट टू इन द अर्ली मॉर्निंग, डॉन में होता है। इस दरमियान क्या होगा, जो दो अर्थवर्म होंगे आजू बाजू के, जो बरो होंगे उसमें से आजू बाजू जो छेद रहेंगे उसमें से बाहर निकल के आएंगे, पूरे के पूरे नहीं, केवल हाफ, है ना। और इनके जो जो जेनिटल्स थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो वी कैन सी इट एज टू अर्थवर्म फ्रॉम एडजेसेंट बरो हाफ इमर्ज फ्रॉम देयर बरो एंड कम क्लोजर टू लाई इन द कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। जो मेल जेनिटल अपर्चर होंगे, है ना, द मेल जेनिटल अपर्चर ऑफ वन लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अदर। मतलब इन लोग के अंदर हमें जक्स्टा पोजिशन देखने मिलेगी। आप देख सकते हैं यहां पर इमेज के अंदर, तो यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ दिस। द एरिया ऑफ मेल जेनिटल अपर्चर आर रेज्ड टू फॉर्म पैपिला। जो जेनिटल अपर्चर रहेगा मेल का वो किसमें डेवलप हो जाएगा, पैपिला में, एंड इसे इंसर्ट करवा दिया जाएगा कहां पर, स्पर्मेथिकल पोर में। तो देखिए, यहां पर आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तुम्हारा अर्थवर्म है रिप्रोडक्शन करते हुए, और ये जक्स्टा पोजिशन है, मतलब एक का हेड दूसरे के एनस के तरफ जाएगा। अब ककून फॉर्मेशन की बात करेंगे बेटा हम लोग, है ना। ककून का दूसरा नाम होता है ऊथिका। तो इट इज फ्रॉम द क्लाइटलर रीजन, ठीक है। जो ऊथिका या फिर ककून होता है वो डेवलप होता है क्लाइटलर रीजन में, और वो हमको पता है 14, 15 और 16 में होता है।
क्लाइटेलम के अंदर तीन तरह की ग्लैंड होती है, म्यूकस, ककून सिक्रीटिंग एंड अल्ब्यूमिन। जो म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड, वो म्यूकस सिक्रीट करती है। जो ककून सिक्रीटिंग ग्लैंड थी, इट सिक्रीट्स ककून। और जो अल्ब्यूमिन होता है, अल्ब्यूमिन ग्लैंड इनफैक्ट वो प्रोड्यूस करता है अल्ब्यूमिन। ककून सिक्रीटिंग ग्लैंड जो थी वो सिक्रीट करती है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है गर्डल। अब ये जो गर्डल सिक्रीट हुआ था, यूजुअली थोड़ा सा स्लाइमी और मॉइस्ट रहता है, बट इवेंचुअली ये क्या हो जाता है, हार्डन होता है। एंड व्हेन हार्डन्स, तो हम देखेंगे जो अल्ब्यूमिनस ग्लैंड थी वो प्रोड्यूस करेगी अल्ब्यूमिन। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखता हूँ, तो जो क्लाइटेलम रीजन था उसके ऊपर में गर्डल डेवलप होता है और नीचे बॉडी वॉल थी, इन दोनों के बीच में बेटा कौन आ जाएगा, अल्ब्यूमिन। अब यहाँ भी क्या होता है, देखो जो वॉर्म था, जब ये गर्डल फॉर्म होगा तो वॉर्म क्या करेगा, अपने आप को पीछे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से गर्डल जो था वो आगे स्लाइड हो जाएगा। अब जब ये गर्डल आगे स्लाइड कर रहा था, तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो फीमेल जेनिटल पोर था वहाँ से वो आ गए, और जब फर्दर आगे बढ़ा तो स्पर्मेटोजोआ जो थे आपके स्पर्म में थे का, वहाँ से स्पर्म्स आ गए, दोनों फ्यूज हुए, और हमने क्या देखा, गर्डल जो था वो आगे बढ़ गया पूरी तरीके से, और हमारा जो अर्थवर्म था वो निकल गया है। अब जो ककून फॉर्म हुआ वो क्या हो जाएगा, अपनी वॉल्स को सील कर लेगा। तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा, जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है ककून के अंदर ही, एंड फाइनली जब ककून डेवलप होगा तो उसमें से दो तीन हमें अर्थवर्म निकल के मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था मेन फर्टिलाइजेशन का। अब यूजेस की बात करते हैं अगर हम, तो ये इट इज यूज टू इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बेट और फूड के तरह से यूज होता है, और मेडिसिन भी यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो बच्चों ये था आज के वीडियो में, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। हिट